हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डिजिटल डायरीज। और आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक एंड क्रिस्पी स्नैक्स रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है और शायद ही पहले आपने कभी ये खाया होगा। तो आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और हाँ गाइस, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 5 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे 10 रुपीज़ में जो टोस्ट का पैकेट आता है वो लिया है, जिसे हमें ग्राइंड करके इसका क्रम बना लेना है। आप टोस्ट की जगह पे ब्रेड क्रम भी ले सकते हैं। फिर तलने के लिए तेल लिया है, 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, 6 चम्मच दही लिया है, फिर 1/2 चम्मच चिल्ली पाउडर, 1/2 चम्मच चिकन मसाला और नमक स्वाद अनुसार लिया है। मैंने यहाँ कम बनाया है, इसीलिए सबका अमाउंट कम लिया है। आप ज़्यादा बनाते हैं तो सबका अमाउंट बढ़ाते जाइएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे ब्रेड क्रम लिया है, उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, उसके बाद हम इसमें दही डाल देंगे, उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और चिल्ली पाउडर और चिकन मसाला डाल देंगे और इन सब को अच्छे से मिला लेंगे। इन सबको मिला करके हमें इसका एक हार्ड डो तैयार करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर हमें इससे छोटे छोटे गोल लड्डू बना लेने हैं। लड्डू को किसी प्लेट या सरफेस पर रखकर हथेली से प्रेस करेंगे। आप चाहे तो प्लेन इस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं, या फिर फॉक्स से इस तरह का डिज़ाइन बना करके भी फ्राई कर सकते हैं। बाकी बचे लड्डू को भी प्लेट पर रख कर हथेली से प्रेस करेंगे और फॉक्स से डिज़ाइन बना लेंगे। इस तरह फॉक्स से मैंने सारा डिज़ाइन बना लिया है। हमें एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेना है और तेल जब गरम हो जाए तब इसमें सबको डाल के फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, तो हमें इन्हें पलटकर दूसरे साइड से फ्राई कर लेना है। अब ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें निकाल देंगे। अब हमारे क्रिस्पी स्नैक्स तैयार हो गए हैं और हम उसे सॉस के साथ सर्व करेंगे। अगर आपके घर कोई गेस्ट आए हो और आप उन्हें ये बनाकर खिलाएं, तो वो इसका स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे।
सो गाइस, आप भी इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। और गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आऊँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।